हेलो दोस्तों, बिहार समाज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, अभी हम क्या है, इस वीडियो में हम अपना पोडियम माइक के ऊपर क्या है अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेस्टिंग करने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो है मैंने अपना परचेज़ किया हुआ है, ये जो है ये अपना संतोष भाई से परचेज़ किया हुआ हूँ, ठीक है। तो आए हुए क्या है दोस्तों, 2-3 दिन हो गया है आए हुए हैं, लेकिन मेरे पास क्या समय नहीं मिलने के चलते मैं उसको अभी तक मैंने खोल के देखा ना, कुछ करके देखा, ठीक है। तो अभी हम क्या है समय लेते हुए इसको अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये अपना भाई ने, संतोष भाई ने क्या है पैकिंग बहुत बढ़िया करके भेजा है अपने पास, ठीक है। तो इसको हम काटने के लिए चाकू ले लिया है दोस्तों, बस दो में खुल गया है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, वो भी हम देख लेते हैं खोल के। दोस्तों, ऐसा निकलता है अंदर का पैकिंग से, पैकिंग भी सही मजबूत करके दिया है। और ये जो है दोस्तों MX कंपनी का है, ठीक है। ये कंपनी है MX कंपनी का है, लिखा हुआ है फ्रंट में कनेक्टिंग द फ्यूचर प्रोफेशनल मीटिंग माइक्रोफोन, ठीक है। तो किस हिसाब से घुमाना है क्या है, और उसमें लिखा हुआ है कि मजबूती रोड इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 ब्रांड दे रखा है, क्योंकि इसी एक ही कवर में ही 3 ब्रांड आ जाता है, लेकिन इसमें मैंने परचेज़ किया हुआ है लास्ट वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों D66, ठीक है, उसमें MX D66 और ये 360 घूम सकता है ऐसा लिखा है। और देखो दोस्तों, इसमें लिखा है मैंने ये परचेज़ किया हुआ है, तो इन्होंने ब्लैंक देखे यहाँ पे टिक दिया हुआ है, ठीक है, D66 इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, और साइड में भी दोस्तों ऐसा दिखता है और लिखा हुआ है अपना, और इस साइड में लिख दे रखा है स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और इसमें दे रखा है MX D38 का दे रखा है, MX D63 का दे रखा है, और MX D66 का भी दे रखा है। तो अब मैंने 66 परचेस किया है, तो दोस्तों 66 के ऊपर ही अब हम चलते हैं, ठीक है। ये कंडेंसर माइक है ये, और इसका फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों, इसका फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़ से, ये 20 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, 30 हर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ दोस्तों, मेरे हिसाब से ये अपना ये जो प्रिंटिंग जो है, नहीं ये सब में दोस्तों हर्ट्ज लिखा, मेरे इसका कुछ समझ नहीं आ रही। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दे रखा है, इसमें लिखा है कि 30 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो दोस्तों वो तो मुझे समझ नहीं आया कि बाकी माइक्रोफोन में क्या है, 30 हर्ट्ज से या तो अपने उसमें हर्ट्ज है, लेकिन जाते हैं 16 हर्ट्ज, मतलब क्या है 16 किलो हर्ट्ज ऐसा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें ओनली फॉर 20 हर्ट्ज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें किलो हर्ट्ज नहीं दे रखा है, तो उसको क्या है पता नहीं चला। इसका दोस्तों क्या पोलर पटन जो है, इसका कार्डियोइड है ये, और इसका आउटपुट इम्पीडेंस है कौन, ये इसका 200 ओम से लिखा हुआ है, ठीक है। तो और इसका क्या है सेंसिटिविटी है दोस्तों -42 dB है। और ये जो है इसका क्या है दोस्तों, ये फैंटम पावर से भी काम चल सकता है, ठीक है, फैंटम पावर भी से भी काम चला सकते हैं, और पेंसिल सेल दो देखी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या दे रखा है, ये माइक्रोफोन लेंस जो है दोस्तों, जो अपना घुसने का माइक जो है दोस्तों, ये जो डंडा जो है ये दे रखा है, इसका डंडा है 390 mm बता रहा है। और इसका नॉइज रेशियो जो है दोस्तों 65 dB है। और इसका नीचे क्या लिखा हुआ है, और ये बेस LED माइक LED दोस्तों, ठीक है, बेस LED और माइक LED लिखा हुआ है। इसका अंदर क्या है जिससे दिख रखा है, हो भी सकता है उसको हम बाद में खोल के देख लेंगे उसको भी, ठीक है। तो खोलने पर क्या क्या मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। खोलने पर दोस्तों एक पर्चा मिल जाता है, उसमें कैसा कैसा ये प्रोफेशनल मीटिंग माइक्रोफोन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ठीक है, तो उसमें कैसा इस्तेमाल करना है क्या है, तो वो भी हम साइड कर देते हैं। तो क्या मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें एक अपना जो क्या है फॉर्म मिल जाता है माइक्रोफोन के, जो अपना हवा पर जो पहुँच जाता है दोस्तों, उसमें क्या है कुछ फुर की आवाज़ आ जाता है, ठीक है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्लस धूल मिट्टी भी जाने के लिए भी ये दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया है, इसको कर लेते हैं बाहर। और ये जो है दोस्तों घुसने का माइक का, ये माइक है दोस्तों, ये है इसमें दोस्तों क्या है, मेरे पास इससे पहले घुसने का माइक नहीं है, ठीक है। तो उससे अच्छा है या उससे बुरा मैं बोल तो नहीं सकता, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे तो देखने में ठीक ही लग रहा, मजबूती भी अच्छा खासा लग रहा है, ठीक है। तो फिट एंड फिनिशिंग मुझे ठीक ही पसंद आया मुझे, ठीक है। तो इसके बराबर ये कंपेयर करने में तो मतलब क्या वो अलग बात हो जाता है, लेकिन मेरे पास इससे पहले घुसने का माइक ना होने के चलते मैं इसका कैसा क्या है प्रॉपर तो नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। लेकिन इसका जो है दोस्तों फ्रिक्वेंसी रेंज के हिसाब से काम करे, ठीक है, तो क्या है दोस्तों मैं तो बोलूँगा इसकी ये भी अपना वैल्यू फॉर मनी भी आ जाएगा, क्योंकि पता है
जहाँ तक मैं जानता हूँ दोस्तों, जो है अपना ये जो है जितना भी ओम्स कम होता है ना दोस्तों, ये जो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो दोस्तों इसमें 200 ओम्स लिखा हुआ है जो, ठीक है, तो जितना भी माइक्रोफोन में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिस माइक्रोफोन में ओम्स कम होता है दोस्तों, वो क्या है, दूर से अच्छा कैचिंग, ठीक है, दूर से अच्छा कैचिंग उसमें पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि अपने को दोस्तों घुसने का माइक है, तो क्या है ये मीटिंग में तो आपको क्वालिटी तो आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है, दूर से आपको कैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पता है कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी जब ऑफिसर वगैरह, जब ऑफिसर मान के चलो या कोई MLA या मंत्री या कोई भी हो, तो उसमें क्या है 100 में से 20% लोग है क्या माइक के सामने मुंह लगा के बात करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग क्या है दोस्तों, दूर अपना से ही बात करते हैं। तो उस कैटेगरी में, मतलब उस कंडीशन में जब हम वॉल्यूम उठाते हैं दोस्तों, क्या उसमें विसल भी मारने का बहुत चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या है, मैंने ये परचेस किया हूँ, देखते हैं कि इसका कैचिंग कैसा है। कैचिंग अच्छा है तो दोस्तों क्या हम क्वालिटी मैदर भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पहली बात उसको क्या है दोस्तों, कैचिंग आना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्या दूर से पकड़ने का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या है, वो कैसे पकड़ रहा है 4000 के अंदर, क्या है उसका कैचिंग कैसा है, क्या है वो बाद में टेस्ट के दौरान आप लोग को पता चल जाएगा। अभी क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये है अपना घुसनेक माइक का स्टैंड, और जैसे लिखा हुआ है कि इसमें माइक में भी LED है, तो मेरे हिसाब से LED ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। और इसका लुक भी दोस्तों बहुत मस्त लग रहा है देखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो उसको भी हम, बैटरी है मेरे पास, मैं बैटरी डाल के देख लेता हूँ। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखो चारों तरफ से कैसे दिखता है, बिल्कुल राउंड फिगर में दिखता है। यहाँ पे XLR का जगह है और ये भी है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या है दोस्तों, बैटरी दे रखा है, बैटरी का मतलब दो पेंसिल सेल का जगह दे रखा है, और इसमें ऑफ ऑन का ऑप्शन भी दे रखा है, और यहाँ पे एक स्विच दे रखा है। मेरे हिसाब से ये म्यूट अनम्यूट के लिए होंगे, ठीक है। ये जो है अपना एक आदमी का शक्ल भी बना के यहाँ पे माइक का आवाज़ का ऑप्शन भी दे रखा है, शायद म्यूट अनम्यूट का होंगे, ठीक है। ये देखो दोस्तों ऐसे दिखता है देखने में, ठीक है। तो भाई हम क्या है, बैटरी डाल के देख लेते हैं। और ये भी दे रखा है साथ में दोस्तों, ये एक तो हो गया है XLR हो गया है, और एक TRS हो गया है। तो ये कहाँ काम आएंगे आप लोग क्या है मुझे दोस्तों कमेंट करके बताना, ठीक है। तुम ये ऐसा क्या, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मान के चलो कि हमने ऐसा लगा भी लिया, ठीक है, तो दोस्तों इसको कहाँ लगाएंगे, एम्पली के साथ तो हम ऐसे टांग तो नहीं सकते, ठीक है। तो ये कहाँ लगाएंगे दोस्तों ये भी नहीं पता, आप लोग को पता है तो दोस्तों कॉमेंट करके ज़रूर बताना। इसको मैं कर लेता हूँ साइट। तो हम बैटरी लेके आते हैं, बैटरी में दोस्तों पहले से मैंने साइड में रखा हुआ हूँ, क्योंकि कैसा काम करता है लाइट वगैरह देख है, तो इसको खोलने भी नहीं आ रहा है दोस्तों। ये मैं बैटरी लगा के देखता हूँ, ठीक है, और इसको लगा दिया है मैं दोस्तों, ये लग गया है, और इसको ऑन कर लेता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पर भी लाइट जल रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि माइक ऑफ लिखा हुआ है, और चलो ठीक है, इसको भी हम लगा के देख लेते हैं। इसका फिटिंग फिनिशिंग में तो दोस्तों क्या है, इसका फिनिशिंग में तो कोई बोलने का कोई ये नहीं है, जगह ही नहीं दिया है उन्होंने, बहुत बढ़िया फिनिशिंग करके दिया हुआ है। तो इसी में ऑन करने के बाद क्या है, ये देखो आप लोग भी देख रहे होंगे, ये ऑन दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है माइक ऑफ बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये LED ऑन हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ दोस्तों, माइक ऑन हो गया है, ऑन बता रहा है, और साथ ही साथ ये LED भी जल गया है, ठीक है। देखो ये LED बुझ गया है, और ये ऑन पे ये भी ऑन हो गया। इससे क्या आप दूर से पता चल जाएगा कि अपना माइक ऑन है या ऑफ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक तो दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया है, ठीक है। तो अभी हम क्वालिटी के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं, तो ये फॉर्म भी हम अब इस पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या है, लास्ट तक देखना, अभी हम टेस्ट करेंगे अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लिया हूँ तो क्वालिटी पर हम ध्यान नहीं देंगे। आउटपुट क्वालिटी कैसा है, कितना गेन उठाना पड़ रहा है इसको कैचिंग पकड़ने के लिए, और कितना दूर तक, कितना दूरी में क्लियर पकड़ रहा है, वो भी हम देखेंगे इस टेस्टिंग के दौरान, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या है, कैमरा को, मतलब मोबाइल को मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, टेस्टिंग के बाहर जाने के बाद ही देखेंगे दोस्तों। अभी हम टेस्ट के ऊपर आ जाता है, और अंदर टेस्ट करें दोस्तों क्या होता है कि उसमें अपने को प्रॉपर क्या है, प्रॉपर तो नहीं बोल सकते, प्रॉपर तो हम टेस्ट करने को अपने पास अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब अपना सामान नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या लगभग अपने को पता चल जाता है बाहर टेस्ट करने से, ठीक है। तो क्योंकि अंदर टेस्ट करेंगे दोस्तों उसमें क्या हल्का फुल्का बोले में भी क्या है आपको लाउड सा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या मैंने बाहर लेके आया हूँ, और मैंने यूज़ किया हूँ उसमें अपना आहूजा का एम्पलीफायर, ठीक है। और ये जो है मैं पहले जो दोस्तों मैं बोला था ये कहाँ काम आएंगे,
तो अब मुझे पता चला है ये, ठीक है। तो एक्सलर के सारे कनेक्ट करके आप छोटा सा नॉर्मल से नॉर्मल एम्पलीफायर भी आप कनेक्ट करके चला सकते हो, क्योंकि उसमें दोस्तों फैंटम पावर की बैटरी दे रखा है, तो आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और मैंने इस अपना उसके लिए क्या दोस्तों, ये जो है अपना आहूजा का 100 वाट का स्पीकर है, और इसका डिस्टेंस है 5 मीटर थोड़ा ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो मतलब 6 मान के चलते हैं दोस्तों, ठीक है, 6 पे ही है। और आप लोग बताओ अभी होंगे कि आहूजा अपना एम्पलीफायर में दोस्तों क्या स्टैंडर्ड सेटिंग होता है, ये जो मास्टर जो है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है कि आप एम्पलीफायर में इस स्पीकर को या इस अपना डायफॉर्म को या यूनिट को अब 7 पे ही लगा के चलाए दोस्तों, ऐसा क्या लिखा रहता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं ओनली फॉर मास्टर को क्या है 7 पे ही लगा के चलाने वाला हूँ, और बेस को क्या है दोस्तों 6 पे, क्योंकि दोस्तों इसमें बेस दर्जे से क्या फीडबैक आने का चांस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऊपर से ये इतना जितना ये इसका वाट है 75 और ये है 100 वाट, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने बेस को थोड़ा कम कर दिया है, और ट्रेबल को भी मैं 7-4 तक रखा हुआ हूँ, और इसको क्या है मैं आप लोग कैसा करता हूँ मैं आप लोग अभी देखते रहना, ठीक है दोस्तों। अब इसको ऑन कर देता हूँ, और ये भी ऑन हो गया है, ठीक है। तो इसको ऑन हो गया है, और आप लोग देखना कितना दूरी पर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्या दोस्तों क्या नज़दीक तो क्या दोस्तों कोई भी माइक भी क्या है नज़दीक तो कोई भी माइक भी पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसको मैंने ऑन नहीं किया, लेकिन क्या इसमें मैं ओनली फॉर ये देखने वाला हूँ कि कितना दूरी पे पकड़ता है, तो अपना टारगेट दोस्तों इतनी पे ही होगा। तो अभी हम ऑन कर दिया है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों मैं अभी क्या है ये जो अपना कॉलर माइक यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, कॉलर माइक से क्या होता है कि आप लोगों को उतना नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉलर माइक को निकाल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं कॉलर माइक को निकाल दिया है, और आप लोगों को इतनी भी पता चल जाएगा कि मेरा जितना बोलता हूँ, ठीक है, मेरा आवाज़ से भी उसका ज़्यादा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। तो मैं इसको शुरू कर देता हूँ। देखो दोस्तों कितना दूरी पे है, ठीक है, कितना दूरी पे बोल रहा हूँ, लगभग उसमें आप ये 5 इंची है तो आप 10 इंची मान के चलते, ठीक है। हेलो हेलो माय टेस्टिंग चेक, हेलो हेलो माय टेस्टिंग, हेलो माय टेस्टिंग चेक। दोस्तों आप लोग पता चल रहा होगा, देखो कितना आवाज़ क्लियर आ रहा है, ठीक है। ये दूरी पे है, इतने दूरी पे दोस्तों क्या है मेरे हिसाब से मेरे को अच्छा प्रोडक्ट मिला है। और ये जो विशेल इसलिए मार रहा है कि दोस्तों क्या है इसमें कोई कंट्रोल का चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या हम जब अच्छा खासा जब बुकिंग हो जाता है दोस्तों, उसमें क्या अपने को फीडबैक के लिए भी अपना मिक्सर वगैरह में हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से ये 6 ही पे है। और इसका गेन लेवल देखो दोस्तों इसका कैसा पकड़ रहा है, देखो 7 पे है, और बेस बार आप लोग दिखा चुके हैं, ये जो दोस्तों गेन देखो कितना कम उठाया हुआ है, और बहुत तगड़ा कैचिंग है इसका, ठीक है, बहुत तगड़ा कैचिंग है। तो ये दोस्तों ये क्या है आहूजा का एम्पलीफायर है, इसलिए क्या है ये उतना खास नहीं हो कर पा रहा है। यदि आप मिक्सर क्या है आप साउंड प्रॉफ मिक्सर हो गया है, थोड़ा महंगा मिक्सर में इस्तेमाल करोगे दोस्तों क्या ये विदाउट फीडबैक की अच्छा खासा अपना क्या आवाज़ निकाल के दे सकता है दोस्तों। आप लोग देखो कितना दूरी पे दोस्तों, देखो मेरा बाजू से पता चला हुआ कि कितना दूरी पे मैं बोल रहा हूँ, देखो देखो तब भी वो वहाँ से आ रहा है आवाज़, ठीक है। तो मैं क्या है ऐसा बोलूंगा तो ऐसा में दोस्तों क्लियर कट आ रहा है, देखो आप लोग ये पता चलोगा देखो, ठीक है। तो दोस्तों क्या है ये पहले अपने को क्या ये पकड़ में आना चाहिए, ये क्या है साउंड कैचिंग आना चाहिए। जब क्वालिटी तो हम कैसे न कैसे करके हम क्वालिटी अच्छा कर ही लेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब में क्या है दोस्तों कई लोग क्या है क्वालिटी क्वालिटी बोलते हैं, हम जब मैं इस माइक लिए है तो दोस्तों क्वालिटी मुझे चाहिए नहीं, क्वालिटी के ऊपर नहीं, ओनली फॉर साउंड पकड़ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मेन टारगेट यही है, और इसके ऊपर क्या मैं अपने संतोष भाई से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि इस घुसना माइक के ऊपर क्या है दोस्तों मुझे उतना पता नहीं था, प्लस इसमें आप लोगों को पता है कि कोई भी कंपनी जो होता है दोस्तों लिखता कुछ और है और निकलता कुछ और है, ठीक है। तो उसके ऊपर मुझे उतना नॉलेज नहीं था बोलूँगा, ठीक है। तो मैं संतोष भाई से बोला कि भैया मुझे क्या है एक घुसनेक माइक लेना है, क्योंकि अपना प्रोग्राम जो पर लेते हैं तो दोस्तों लाइव प्रोग्राम के ऊपर ज़्यादातर टारगेट करते हैं, तो ये घुसनेक माइक तो 1 या 2 या 3 तो होना पड़ेंगे, प्लस एक कॉलर माइक भी होना पड़ेगा, ठीक है। कॉलर माइक तो मेरे पास उतना बजट नहीं है, लेकिन क्या दोस्तों घुसनेक माइक तो 1-2 होना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या मैं ये पहले परचेज किया, और अपने संतोष भाई के रिकमेंड पर ही ये मैंने लिया हूँ, ठीक है। संतोष भाई बोला कि अच्छा माइक है, तो एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छा निकला, ठीक है। तो ये कितना कीमत कितना था दोस्तों 4,250 रुपये कोरियर को छोड़ के, ठीक है, कोरियर चार्ज को छोड़ के इतने में मुझे दोस्तों बहुत अच्छा माइक मिला है, और आप लोग भी अभी आवाज़ आ भी रहा होगा। ये माइक मेरी तरफ मोड़ के रखा हुआ ये है, ठीक है। आपको लाइव प्रोग्राम के दौरान दोस्तों ये जो माइक जो है अपना मॉनिटर जो है ऐसा कभी यूज़ नहीं करता है, ठीक है, कहीं और मोड़ के रखा होता है, ठीक है। तो जब मोड़ के यहाँ पर देने के बाद भी आप नॉर्मल से नॉर्मल एम्पलीफायर में दोस्तों इतना अच्छा आवाज़ रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको और क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो कांटेक्ट करना है तो दोस्तों क्या मेरा इस डिस्क्रिप्शन में अपना संतोष भाई का नंबर दे दूंगा, आप लोग कांटेक्ट करना, लेकिन मैं तो बोलूँगा बेस्ट
प्रोडक्ट मैंने परचेज किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, कुछ माइक ऐसा भी है कि जब हम हेलो बोलते हैं ठीक है, तो उसमें अपना आवाज जो है डिले पहुंचने पर क्या वो फीडबैक भी मारता है। ठीक है, तो ये क्या ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ, जब बोलता हूँ उतना वहाँ पे आउटपुट भी हो जाता है। ठीक है, कुछ माइक थोड़ा डिले हो जाता है, उसमें क्या दोस्तों फीडबैक होने का चांस रहता है। और जब मैं यहाँ तक टेस्ट किया हूँ तो दोस्तों मैं अपना क्या है DD3 क्या है डिले लगा कर मैं उसके ऊपर भी मैं चेक करने वाला हूँ। आप लोग के वीडियो में दोस्तों लास्ट तक देखना, डिले लगाने के बाद कैसा रिस्पॉन्स है क्या है वो भी हम इसी टेस्टिंग के दौरान करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जरूर लंबा हो सकता है दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो तो इस वीडियो को भी थोड़ा सा और प्यार दे देना दोस्तों। ठीक है, अभी शुरू करते हैं अपना DD3 के ऊपर टेस्टिंग। दोस्तों अभी मैंने DD3 को लगा दिया है ठीक है, और ऑन भी कर दिया है, और अभी पता चल जाएगा कि कैसा है उसका DD3 के साथ, मतलब डिले देने के बाद कैसा है रिस्पॉन्स, फीडबैक दे रहा है कि नहीं दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो है अपना मास्टर वगैरह दोस्तों मैंने छेड़ा नहीं है, और ये भी छेड़ा नहीं है। ठीक है, तो ऑन के बाद पता चल जाएगा कि फीडबैक मार रहा है कि नहीं मार रहा दोस्तों। ठीक है, अभी अपना एम्पलीफायर को ऑन कर लेता हूँ। अभी अभी आप लोग को पता चलेगा दोस्तों, आवाज़ सुनाई दे रहा होगा लेकिन हल्का हल्का फीडबैक आ रहा है। मैं बोले को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। हेलो माय टेस्टिंग, देखो दोस्तों अभी आप लोग को पूरा आ रहा होगा। ये जो है दोस्तों DD3 में भी क्या है, ये अच्छा खासा मतलब कैचिंग हो रहा है और कम फीडबैक में काम चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता है, बता भी चुका हूँ कि ये छोटा सा भी जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है दोस्तों, अच्छा मिक्सर होने के बावजूद कैसा रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, आप लोगों को ये टेस्टिंग कैसा लगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, और इस तरह का वीडियो आप लोगों को देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।